यहाँ गया महाराजा यूसुफ प्रताप के सामने, हमने 5 दिन वहाँ पे भूख से ट्राई किया लेकिन कोई सुन नहीं रहा, आपके सिवा कोई हमें सुननी नहीं रहा। हुआ क्या बोलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो फायर सर्विस का लिस्ट 2020 में आया, 13 में भी उठा रहा, 18 में भी उठा रहा, 20 में भी उठा रहा, एक ही बाप के 5 बेटे लगे, एक ही फैमिली के नाम बदले, सिराज मोहम्मद डार, गुलाम मोहम्मद डार, ब्रदर रूसू बड़गाम, अजहरुद्दीन डार, गुलाम मोहम्मद डार, ब्रदर रूसू बड़गाम, मेहराजुद्दीन डार, गुलाम मोहम्मद डार, ब्रदर रूसू बड़गाम, मेहराजुद्दीन डार, गुलाम मोहम्मद डार, ब्रदर रूसू बड़गाम, उमर अकबर डार, मोहम्मद अकबर डार, कोजन रूसू बड़गाम, सजाउद्दीन डार, बशीर अहमद डार, कोजन रूसू बड़गाम, फराज अहमद डार, गुलाम कादिर डार, कोजन रूसू बड़गाम, इरफान महराज भट्ट, महराजुद्दीन भट्ट, गांधरबल, आसिफुल्लाह मजीद, अब्दुल मजीद भट्ट, कोजन गांधरबल, हामिद रशीद डार, अब्दुल रशीद डार, कोजन गांधरबल, समीर अहमद डार, गुलाम नबी डार, ब्रदर चार बड़गाम, तासीफ अहमद डार, गुलाम नबी डार, ब्रदर चारोरा बड़गाम, जहूर अहमद डार, जहूर अहमद, मोहम्मद हाशिम डार, कोजन बड़गाम, आमिर गुल, गुलाम अहमद डार, कोजन बड़गाम, मुबशिर मकबूल, मोहम्मद मकबूल डार, ब्रदर इश्फाक मकबूल, मोहम्मद मकबूल डार, ब्रदर बांदीपुरा, रफीज अहमद डार, मोहम्मद शफी डार, बांदीपुरा, अब्दुल सलाम दिल्ली, गुलाम मोहम्मद दिल्ली, कोजन आसिम, आसिम सुंबल बांदीपुरा, आई विटनेस भी सामने भी, गाजमफर में भी, गाजमफर में भी सामने आ गया। बोल क्या, मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा, सर कहाँ से पकड़ा, क्या दिया कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा, एक ही फैमिली के नाम बंदे लगे, 59 फैमिली इसमें लगे हुए, भी बता सर भाई, इसमें डिसेबल्ड पर्सन भी है, का हाथ भी नहीं है सर, सर सजाद अहमद कोका ने फार्म नहीं लगा, सजाद अहमद कोका ने फायर सर्विस में फार्म नहीं लगा, नहीं लगा, जब जब दृष्टि मंजर आम पर आया है उसका नाम मेरी लिस्ट में, उसने गवर्नमेंट का नमक खाया, तनख्वाह खाया 6 महीने में, फिर हमने कोर्ट किया, फिर फायर सर्विस डिपार्टमेंट वालों ने उसका FIR लॉन्च किया, 02-1-2021 पर FIR लॉन्च किया, उसका ब्रदर भी लगाओ, उनने फार्म ही नहीं लगाए, 75 बहादुर एंट्रीज जो इन्हें फार्म नहीं लगाए वो हमारे पास सबूत है, हम चाहते हैं हमारे सब इंसाफ होना चाहिए। डिपार्टमेंट का एक पर्सन है पर्सन, हमने उसको भी आर के गोल के सामने रखा है, उसने सब कुछ बताया, हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग भी है, डिपार्टमेंट के लिए आई विटनेस उसको सब कुछ बताया, क्या क्या हुआ आपके साथ, उसने सारा कुछ बता दिया, मेरी मीटिंग और आर के मीटिंग 3.5 घंटे सेकेंड में हुई है, लेकिन हमें लग रहा है आर के गोयल साहब पर भी किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है, तभी को रिपोर्ट सभी दी गए, हम तो लेंगे, हम तो सर आप हमारी लास्ट मांगे, यू आर आवर लास्ट होप सर, रहने सर प्लीज सर, हमारे सर इंसाफ प्लीज सर, 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 हम मजदूरी करते हैं यहाँ, 5 दिन हम मजदूरी करते हैं, छोटे दिन जम्मू पहुंचे, हमारा इंसाफ कीजिए, प्लीज हमारा इंसाफ कीजिए, 5वां दिन जम्मू में हो गया है, न खाया न पिया, कोई बात इस पे नहीं कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक है, एक बात बोलूंगा, एक बात, इस तिरंगे को हम प्यार कर दिया, रेस्पेक्ट कर दिया, पहले मैं ये बताऊंगा, पहले कश्मीर में नहीं करती थी, मैं बहुत सच बोलूंगा, लेकिन आज सारे यहाँ हाथ में रखते हैं, हम भी रखते हैं, पहले जम्मू वाले श्रीनगर जाते हैं, आज कश्मीर वाले जम्मू आ गए, सर हम चाहते हैं रोना नहीं, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इस पर टिकट आए नहीं, रोना नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा हौसला रखो, कोई बात नहीं, आपकी गवर्नर साहब से मीटिंग हुई थी, बिल्कुल सर, दो बार मेरे आप क्या बोला गवर्नर साहब, उसने कहा ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर इसलिए मेरे पास पहुंच गया, लेकिन तब आज 6 महीने हो गया, अगर गवर्नर साहब ने आर के गोयल साहब को बैठाया चेयरमैन, लेकिन एक महीना दे दिया गया, लेकिन चौथा महीना चल रहा है वो कुछ नहीं कर रहे हैं सर, खाली जो हमारे पास रिपोर्ट थे, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने हैंड ओवर किए, चलो मैं गवर्नर सुनिए, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं ये सारा प्रूफ जो आपने ये बोला है सारा, बिल्कुल सर, ये जो सारा आप लोग ये सारे यहाँ आए हो यहाँ से लेके, ये सारे डॉक्यूमेंट साहब मुझे दो, मैं एक बार गवर्नर साहब से मैं भी बात करता हूँ, बाकी आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो जाओ, फ्रस्ट्रेशन में मत आ जाओ,
कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी है, एक बार ये सारी डिटेल आप मुझे दे दो, मैं एक बार बात करता। यस सर। और जो गोयल साहब के हेडेड बाय गोयल साहब कमेटी बनी है उनसे भी बात करते हैं। ये तो और एक बात है, अभिनव शर्मा साहब, अभिनव शर्मा एडवोकेट साहब, वो हमारे साथ आए गवर्नर साहब के पास। अभिनव शर्मा साहब ने कहा सर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये इतना मैंने अपने मतलब अपनी जिंदगी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। सामने का फिर गवर्नर साहब ने भी माना, बोला फैमिली स्कैम मेरे पास पूरे स्कैम है, लेकिन कौन बचा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है जिसको अभी तक बचा रहा है? तो हमें इंसाफ देने सर, वी विल रिस्क्यू द नेम ऑफ डेडली पर्सन हु आर इन द डिपार्टमेंट 2017 हमें कोई हेजिटेशन नहीं इसका नाम बोलने में, याकूब डार इसमें इन्वॉल्व है, बिलास इसमें इन्वॉल्व है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है। मुझे आप एक काम करो, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे सीबीआई में बताओ दो दिन के हमें हमें इस बार मुझे अगर मैंने दो दिन के अंदर नहीं निकाला मुझे नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात, सुन मेरे बच्चा मेरी बात सुनो, आप घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ, आप ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, आप ये मुझे दे दो ना, आप मुझे ये दे दो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास, ये सारी डिटेल है, मैं एक बार गवर्नर साहब से बात करता हूँ और अपना नंबर मुझे दे दो, अपनी डिटेल मुझे दे दो, मैं आपके लिए एक बार एलजी साहब के पास जाऊंगा, मैं गोयल साहब के पास भी जाऊंगा और जो आपकी और उनकी बात हुई है उसका जिक्र करके उनसे कहूंगा कि भाई ये जो बच्चे हैं ये इतने दूर से कश्मीर से यहाँ आए हैं, जम्मू के भी बहुत सारे बच्चे हैं, जम्मू के भी बच्चे हैं, कश्मीर के भी हैं, कोई आप परेशान मत हो जाओ, कोई बात नहीं, आप परेशान। एक लाख रुपया खर्च हुआ आज सर, हम अभी 40 लड़के आए श्रीनगर से, यहाँ होटल में रहते 2001% का दिन में खर्च। मैं बात करता हूँ, आप मुझे इसकी डिटेल सर। एक बात है, तब तक हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, कोई इंसान मिलेगा मेरे भाई। एक बात बोलूंगा, इससे पहले मैं इसी ऑफिस से दो बार मिला, मैं बात कर सुनो ना, आप उस वक्त हमने आपको गवर्नर साहब के पास भेजा, मैं खुद गया, आपको याद होना चाहिए पहले रोज जिस दिन ये लिस्ट निकली थी उस वक्त मेरा बयान आ गया था, आपको मालूम होगा, उसके बाद आप मेरे पास आए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास आपको भेजा, फिर बाद में गोयल साहब के उनके हेडेड बाई कमेटी बनी, वो आप उसकी रिपोर्ट आप ठीक कहते हो इतना लेट हो गई, वो आनी चाहिए। देखिए सर, और इस मामले का हल अगर जेकेपी ऐसे में आरके गोयल साहब वही कमेटी उसमें उतना बड़ा सिक्योर नहीं था। देखिए सर, हमने ऑलरेडी वीडियो एडिट किया है, सबमिटेड एडिट 95%। चलिए मैं देखता हूँ, चलिए आप आराम करिए, आप फिलहाल आराम करिए और मुझे डिटेल दे दो, आप मेरे पास आ जाओ, पूरी डिटेल दे दो, कागज दे दो और मैं देखता हूँ जो भी मेरे से, मैं आपकी पूरी हमदर्दी मदद करता हूँ। कोई आप घबराओ नहीं, आप घबराओ, परेशान मत, परेशान मत हो।